ये सवाल मेरे को एक बात आपसे भी पूछना था। मतलब ये सब लोग बोलते भूल आएगा, फिर सब बोलते भूल आएगा तो सब पैसा कमाएंगे, तो पैसा लूज कौन करेगा? मेरे को ये सवाल था, आपने कभी ये नहीं सोचा ये तुमने बहुत बढ़िया बात करी है भाई। था? आपने कभी ये नहीं सोचा? मैं यही हे सोच रहा हूँ। भगवान, ये जो तुमने बात करी है ना, अगर ये इन गधों को समझ में आ जाती तो ये आज ये बुम बुम डुम डुम नहीं कर रहे होते भाई। हाँ ना, मैं सोचता हूँ लक्ष्मी जी भी पैसा कमाएंगे, नेपोली जी भी सारे कमाएंगे, रिटेलर भी सब कमाएंगे। इधर बोलेगा तो कोई भी यार पैसा लूज करने के लिए जारी नहीं है, हाँ, कोई तुम्हें भी पता है नहीं। इंडिया में रिटेलर पैसा कैसे कमाते हैं? क्योंकि कैसे? जब डोमेस्टिक वाला खरीदता है तो फॉरेन वाला बेचता है, और जब फॉरेन वाला खरीदता है तो डोमेस्टिक वाला बेचता है। अब वो कौन सा स्टॉक खरीदना है बेचना है वो डिमांड पे डिपेंड करता है, परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है। चलो, नेपाली लोग आपस में एक दूसरे से खरीद बेच रहे हैं, बाहर से कोई पैसा आ नहीं रहा, बताओ कैसे कमाएंगे? ये तुमने जो सवाल मैं बोला ना, वही ये जो तुमने बात बोली है ना कि हाँ साला भूल आएगा तो हर कोई कमाएगा तो कौन कमाएगा, ये बहुत बढ़िया बात बोली है। पता है, अगर इन गधों को ये बात समझ में आ जाती ना तो ये गधे आज यहाँ नहीं बैठे होते, छल दरबार के गुंडे। मैं बंटू हमेशा भैया, बंटू ये भैया बेस बहुत बेसिक है फाइनेंस का रूल, जो तुमने इकोनॉमिक्स की ये जो बहुत बेसिक प्रिंसिपल को एड्रेस किया ना कि साला अगर हर कोई कमाएगा तो साला गवाएगा कौन? एंजॉय भाई बात कर रहे हैं एक बंटू एक भाई, एक अलास्कर जी को ऊपर जा रहे हैं मेरे दोस्त का यार। हाँ, जो यार एक एक ऐसे ही कोई गधा था छल दरबार का, किसी बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी में। उसने बोला वहां जाके, हर दुनिया में सबको एक एक करोड़ बांट दो, दुनिया में इतना पैसा है, एक एक करोड़ बांट दो। अब एक गधो साला, दुनिया में अगर हर किसी को एक एक करोड़ दे देंगे तो सबकी परचेजिंग पावर 1 करोड़ से ऊपर चली गई, सारा रिसोर्सेस तो वही है, हाँ, काम करेगा कौन? तो महंगा। सब तो पहले 1 करोड़ हे ही कमाएंगे भगवान, ना। मतलब मैं कह रहा हूं इन लोगों को मैं 5 सेकंड नहीं सुन सकता। पता नहीं ये नेपाली लोग इनको 5 मिनट भी, 5 घंटे कैसे सुन लेते हैं। इन बेवकूफों को बेसिक प्रिंसिपल्स की नॉलेज भी नहीं है, ये लेकिन भाई कुछ नहीं है। ये सवाल तो सबके मतलब दिमाग में आना चाहिए ना। मतलब ये बात तो मतलब नहीं आता ना सबको, इधर यार, एक प्रॉब्लम भी लोग नहीं है जो बोलते मैं गवाऊंगा पैसा। कोई नहीं बोलता मेरा मेरा पैसा डूब जाएगा, कोई नहीं बोलता। भूल आएगा सब कमाएंगे, एक भी बंदा लूज ही नहीं करेगा पैसा। फिर अभी अभी आप भूल लोग आएगा बोलते, सब अभी अभी कमाएंगे सुनो आप, लेकिन बेचेंगे अभी किसको? सब तो खरीद के हाँ बैठे सुनो ना, हैं। आप सुनो ना, लेकिन इनका बात सुनो। सब बोलते मैंने भूल में पैसा गवाया है, इनका बात सुनो। सब बोलते मैंने भूल में पैसा गवाया है, लेकिन बोलते मैं भूल आएगा तो सब पैसा मैं कमाऊंगा, ये दुनिया का जितना भी पैसा है मेरा पैसा हो जाएगा। या बंटू भाई, टप्पा अरे कटप्पा भाई कैसे हो यार? आ गया भाई, एक दोस्त का कनाडा से भाई फोन भी, आया था इसलिए चला टप्पा गया भाई उसको। नहीं आपसे बात करना था यार, आप भी भूल में मतलब पैसे बनाने वाले बंदे हो। नहीं नहीं मैंने अब तक इतने भी इन्वेस्ट किया, इतने निवेश किया है इंडियन स्टॉक मार्केट पे, यहाँ पे जितना भी किया मेरा पैसा नहीं बना आज तक। मैं तकरीबन तकरीबन इंडिया में तो घाटा में ही चला गया, नेपाल में आज भी, आज के डेट में भी मैं तकरीबन तकरीबन इसमें हूँ, ब्रेक इवन में ही हूँ। कुछ ज्यादा फायदा तकरीबन नहीं हुआ। लास्ट टाइम बस पूल में कुछ थोड़े बहुत पैसे जमे थे तो उससे थोड़ा बहुत निकाल लिया था पैसा, नहीं तो नहीं है इस टाइम पे। बहुत अच्छा शब्द है यार भाई, तकरीबन तकरीबन तकरीबन। चलिए ये अच्छी बात है, तो फिर ये बुल में सिम में पैसा गाऊंगा मेरी भाई, निफ्टी में भी इधर भी। क्या बात है यार, क्या बात पलाश का जी ऊपर है यार, आओ आओ का माथे हो। देखिए, ये बहुत अच्छा सवाल उठाया है डॉक्टर कागे ने कि अगर बुल आएगा और सब पैसा कमाएंगे बुल में तो पैसा गवाएगा कौन? देखिए, छल दरबार के गुंडों को कुछ नहीं आता। अगर हर कोई यही सोच के बैठेगा कि बुल आएगा तब हम होल्ड करके रखेंगे कमाएंगे, तो साला जब बुल आएगा तो खरीदेगा कौन अगर हर कोई बेचने के लिए लगा रहेगा? तो ये बहुत चिंता का विषय है। अब मैं आपको जैसे इंडिया की मार्केट का एग्जाम्पल दिया, इंडिया में जो फाइट चलती है
जैसे किसी भी मेजर इकोनॉमी में, इट इज ऑलवेज बिटवीन FII एंड DII, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स एंड डायरेक्ट डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। डोमेस्टिक वाले सस्ते में खरीदते हैं, महंगे में बेचते हैं तो उनको प्रॉफिट, कभी कभार महंगे में खरीद लेते हैं ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक होकर और मार्केट गिर जाता है तो सस्ते में बेच देते हैं फॉरेन इंस्टीट्यूशनल वालों को, और उसी तरीके से फॉरेन वाले भी। अब यही अगर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल वाले आपस में ही खरीद फरियोद कर रहे होते तो ऑब्वियसली मार्केट का ग्रोथ उस रेट पे नहीं होता, लेकिन क्योंकि बाहर से पैसा आ रहा है, गेम इज बिटवीन लोकल एंड फॉरेन, तो फिर पैसा बनाने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं, क्योंकि जब बुल आएगा तो या तो डोमेस्टिक खरीदेगा या फॉरेन खरीदेगा, तो जब कोई एक खरीदेगा और दूसरा बेचेगा तभी तो पैसा कमाएंगे ना। नेप्से में ऐसा नहीं है, नेप्से में आपस में ही ये 8-10 नेपाली लोग बैठ जाते हैं, चलो चलो खरीदो, चलो चलो बेचो, चलो चलो खरीदो, चलो चलो बेचो, अब सब खरीद के बैठ गए तो समझ नहीं आ रहा चलो बेचे किसको, बुल क्यों नहीं आ रहा, बुल क्यों नहीं आ। ये वो बड़ा बेसिक, ये छल दरबार वाले नहीं तुमको बताएंगे, क्योंकि ये नहीं, छल यही वही वही है। कौन है छल दरबार। हाँ बोलो बोलो। एक बात हो रही है, सुनो, बोलते हैं बड़े इन्वेस्टर लोग हमारा पैसा सारा लेके चले जाएंगे, रिटेलर को टोपी लगाएंगे। दीपेंद्र अग्रवाल जी इधर क्यों आते हैं? ये सिंपल सवाल है, सबको वही तो ये अगर समझ आ गया तो मतलब लोग समझ जाएंगे। अगर मतलब बोलते हैं सब लोग 2200 से ऊपर मार्केट चला जाएगा, सब पैसा कमाएंगे, कोई भी मतलब बुल में सब सेल करके निकल जाएंगे, कोई स्टॉक ही नहीं खरीदेगा इधर उसके मुताबिक तो मार्केट को मतलब 5000 पहुंच के सीधा 1800 में आना पड़ेगा फिर से, क्योंकि खरीदने वाले लोग ही नहीं मिलेगा उधर, क्योंकि सब पैसा कमाएंगे उधर। तो अरे यही तो मैं समझाने की कोशिश, लेकिन देखो छल दरबार वालों को अब देखो। बंटू हेलो ले हेलो हमें हेलो, पटुपमा बैंक किन्न लगा रहा है, हाँसेर बसे बंटू। के बोने को तारा जी। बन्डुले ब्याङ्क बढ्छ अब भनेर हामीलाई ब्याङ्क किन्न लगाएको होइन। क्या बोल रहे हैं यार डॉक्टर का, मेरे को समझ नहीं आ रहा। ये कुछ शायद बोल रहे हैं कि आपको, आपने बैंकिंग खरीदने के लिए बोला, कुछ बोल रही है, मेरे को इतना ही समझ आया। मैंने मॉनेटरी हाँ पॉलिसी से ये पहले कहा बन्डु बैंकिंग, भाई यार, आपने आपने सब लोगों को बैंकिंग खरीदने को कहा और मॉनेटरी कुछ पॉलिसी से लगा पहले नहीं कहा रहे। था। हाँ तो ये मॉनेटरी कहा पॉलिसी के बाद यार, बढ़ तो गया बैंक, उसके बाद तारा जब जी ने, बजट, तारा जी ने टोपी लगाया, आपने कह रहा है अभी यार टोपी तारा लगाया जी सबको। देखो ये मुझे नहीं पता कि आप किसकी भेजी हुई गुंडी हैं, क्योंकि पहली बात तो ये आपने मेरे को ऐड भी नहीं किया हुआ और मेरी आपसे पहले कभी फिर बात आया, भी फिर नहीं हुई। आया भाई बंटू, फिर आया कोई तारा गुंजाई नहीं जी ने बंटू। बताया तेरे को, तारा जी ने प्रकाशवंत गुंडा PPG। चलो एनीवे डाउन टू द बागमती। देखिए तारा जी मेरी आपसे पहली बार बात हो रही है, क्योंकि आपका नाम ये जो तारा है ना ये मैंने पहली बार पढ़ा है। आज से पहले अगर मैंने किसी एक से बात करी थी, वो उनका नाम था निशा, ठीक है, उनका पूरा नाम मैं भूल गया, और मुझे अच्छे से याद है मॉनेटरी पॉलिसी के आने से पहले मैंने बोला था बैंकिंग होटल और ये सब लॉन्ग टर्म में बढ़ेगा, और जिन्होंने उस वक्त खरीदा मॉनेटरी पॉलिसी आने के बाद वो बढ़ा बहुत अच्छे से बढ़ा, जिन्होंने मॉनेटरी पॉलिसी से पहले खरीदा था उनको 10-20% तक फायदा भी हुआ। लेकिन जब बजट आया तब अकेला मैं ही था जिसने बोला था गिरेगा, सारे छल दरबार के गुंडे वो रात को ना सोने वाले पिशाच होनी हो, सारे पागल पाटन हॉस्पिटल के बूम 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 कर रहे थे, लगातार 2 दिन मार्केट गिरा। क्यों? क्योंकि जो ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ाई और उसकी पाइप से पैर नहीं हटाया डॉक्टर ने, पेशेंट मर गया। अब वो एक इंडिकेशन था कि भैया बुक करके निकल लो। अब आप लोग मॉनेटरी पॉलिसी के बाद खरीदोगे और बजट आने के बाद मैंने जब बोला कि भैया निकल लो, आप छल दरबार का सुन के कि 2800 आयो 3200 आयो करके लालच में बैठोगे, तो ये प्लीज आप छल दरबार वाले गुंडों को पकड़ो। ये RBG भी उस रूम में थे उस दिन 2800 3200 वाले मार्केट वाले में, मुझे आके मत बोलो प्लीज, क्योंकि मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है, मेरा कॉन्वर्सेशन मेरा जो कम्युनिकेशन है हमेशा क्लियर रहे, जो समझता है वो कमा लेता है, जो नहीं समझता वो हामी बन्डुको गवा कुरा देता सुनेर ब्याङ्क किनेको, अहिले ब्याङ्क जहाँ किनेको छ त्यहीँ आइपुग्यो। अब हामीले के गर्ने? हामी तल बसेर सुने हो बन्टुले माथिबाट दिने हो भन्ने हो, बन्टुको कुरा सुनेर हामीले ब्याङ्क किने हो।
त्यस्तो कुरा होइन, किन्नु भएको छ भने टेन्सन नमान्नुहोस्। अब यो थोरै करेक्सन हो, अब एक दुई दिन मात्रै हो, फेरि आइहाल्छ, चुमुक चुमुक आइहाल्छ। वेट गर्नु पर्यो अलिकति टाइम, अब के गर्ने। नहीं नहीं नहीं, ऐसा 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 आंसर कोई भी मत देना, ऐसा ये आप लोग मत ऐसा मत बोलना, उनको खुद रिसर्च करनी है। बन्टुलाई बन्टुलाई हामीलाई बचाउँछु भन्दै हिँड्ने बन्टुलाई सोधिराछु यार। ताराजी बन्टु भाई ने बोला था, बहुत पहले बोला था वो खरीदने को यार, ये अभी नहीं बोला, दो चार दिन पहले कि आप फंस गई उधर, बहुत पहले बोला था। बिल्कुल, और जिनको बोला था उन्होंने तो कमाल किया, वो तो खुदा के मेरे को बोल के गया थैंक यू बंटू। NICA जो आपका निकाय वो 25% से ऊपर बढ़ गया यार, 30% से ज्यादा बढ़ गया, 349%। बैंक किन्न लगाउनु भयो बंटू सर ले, बेच्न सिकाउनु भएन, त्यही भएर दुख लाग्यो। देखो देखो 100 मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, टाइम वेस्ट मत करो। मैं ये नाम तारा, तारा दवादी, देखो मेरी फोटोजेनिक मेमोरी है, ठीक है, ये नाम ही मैं पहली बार देख रहा हूँ, तारा दवादी। कौन है तारा दवादी? हु इज तारा दवादी? मैंने तो कभी इनको देखा ही नहीं, तुम में से किसी ने देखा है? तारा दवादी करके हमने भी आज ही देखा है मैडम। बस बस समझ जाओ, ये वही छलदर बार की भेजी हुई गुंडी है। नहीं नहीं नहीं, 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 नहीं है, वो आपने बोले, आपने बोला और वो किन ली, ठीक है, आप नहीं भी बोला तो वो बेचने के लिए तो उसको पूछना चाहिए था ना, आप नहीं आते सो बात नहीं, हमको ऐसा तो कोई दिन नहीं लगा जो 24 घंटा में 2 से 3 घंटा आप नहीं है, ऐसा कोई दिन नहीं हुआ जो आप या कोई कोई भी ग्रुप में ना हो, तो पूछना चाहिए था ना कि अब क्या करूँ मैं। जय हो भैया, मैंने 1 महीना पहले बोला था बैंकिंग और होटल, मेरे बोलने के बाद बैंकिंग और होटल दोनों ऊपर भाग गए, ठीक है। अब आप एक बात सुनिए, जब बजट आया तब कितने क्लियर शब्दों में मैंने बोला था कि भैया मार्केट तो गयो, मेरे को क्या किया, निफोली आया, अनु आई, प्रकाशवंत आया, रूम से निकाल दिया। मंटू जी आपने टोपी लगा दिया तारा जी को। आरबी जी, आरबी जी एक बात सुनिए, एक बात सुनिए, टोपी टोपी किसने लगाया? नहीं नहीं, मैं मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, टोपी किसने लगाया? मैं अभी साबित कर सकता हूँ, आरबी जी को, सॉरी तारा जी को टोपी छलदरबार वालों ने लगाया है। तारा जी आपने, एक मिनट एक मिनट, हांजो तारा जी, बैंकिंग का शेयर कब खरीदा था आपने? हजूर कब खरीदा था? हजूर उनमत बोलिए, कब खरीदा था, डेट बताइए, बोलो डेट। अरे डेट कब खरीदा था, कितने दिन पहले? 15 दिन अगाड़ी। 15 दिन पहले। मॉनेटरी पॉलिसी कब आई थी? पछाड़ी। तो बेच पछाड़ी की और मैडम तो निकली नहीं। हाँ, मॉनेटरी पॉलिसी कब आई थी, कौन सी तारीख को आई थी? बोलो तारा जी। बंटू भैया जरा मोड देना मुझे यार। अरे रुक जाओ यार, हंजो रुक जाओ, तारा जी क्लियर कट है, अगर आपने मॉनेटरी पॉलिसी के आने से पहले बैंक खरीदा, कौन सा बैंक खरीदा वो आपने अपनी रिसर्च से खरीदा, लेकिन अगर कोई अच्छा बैंक खरीदा, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपने पैसा ना कमाया हो। मैंने खुद फंडामेंटल करके नबील 440 पे गिनवाया था, स्क्रीनशॉट भी है, ओके भाई, ये डॉक्टर कागे के पास 6 मार्च का, 3 महीने के अंदर अंदर 20% रिटर्न कमा के मैंने कह दिया बुक कर दो, और बुक करा उन्होंने। हमने NICA किया था पर बुक अभी तक नहीं किए हैं, ठीक है, कोई गल नहीं, जिसने करना था जिसने नहीं किया वो उनकी मर्जी, लेकिन अगर आपने पिछले 5 या 6 दिन में खरीदा है, जो मुझे 100% श्योर है आपने मॉनेटरी पॉलिसी के बाद बैंक भागे तो खरीदा है, और वो भी क्यों खरीदा है, छल दरबार के गुंडों ने जाके बोला 2800 आयो, आपने तब खरीदा 100% है। नहीं नहीं, आपने आपने एक यू आपने मॉनिटरी पुलिस आउस आउस देशो सरकार भएन मलाई। मैंने 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 क्या बोला, देखिए देखिए, मैंने 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 कैसे बट फेरि जाको त्यही आयो किन्न सिकायो बन्टुले बेच्न। देखो देखो मैंने क्या कहा था, छल दरबार का नाम लेते ही 1 सेकंड भी नहीं लगा इनको अनम्यूट करके बोलने में, ये मैंने ये साबित कर दिया मैंने, ये छल दरबार की गुंडी है।
छल दरबार वालों ने 2800 बोला तारा को। तारा ने देखा बैंकिंग बढ़ रहा है, तारा ने बैंकिंग खरीदा क्योंकि छल दरबार ने बोला 2800 जाएगा। लेकिन 50 रुपियाँ नाफा आउँदाखेरि नि बैंक बेचिएन, बन्टुले अब बेच्नु भनेर किन भनेन? मैं बोलता हूँ एक बार। बोलो हाँ बोलो, ये मेरे को बैंकिंग, मैंने तुम्हें बोला था ना छल दरबार की गुंडी है, बट बोलो बोलो। नहीं, मैं वो नहीं बोलना कसैको चाहता। गुन्डी होइन है बन्टु। बंटू जी मत बोलिए, वो सुनिए आप। लेकिन आपको बाय भी करवा देना है, सेल भी करवा देना है, तो आप करेंगी क्या वो बताइए ना, नाफा खाएंगे हम। ये बात बताइए। हाँ वही है, सब सब इधर नाफा ही खाने आते। मैंने पहले ही बोला ना, सबको इधर 3200 चाहिए, बुल चाहिए, और इधर घबराने के लिए कोई राजी नहीं है। इधर फाइनेंशियल मार्केट में सब नाफा ही खाना है, तो क्यों लोग काम करके बैठते घर में, क्यों करते दिहाड़ी? सब लोग सब आते हैं फाइनेंशियल मार्केट में, इधर आओ पैसा जैसे छापो, जाओ निकलो। ये भी हो सकता है, जिस दिन मंटू भैया ने बोला कि अब सेलिंग का टाइम हो गया है, सेल लो निकल लो करके, जिस दिन इन्होंने बोला शायद उस दिन मैडम एबसेंट रह गए होगी क्लब हाउस पे, ये भी हो अरे सकता है। कटप्पा एक बात सुनो, जिस दिन मैंने बोला, इतनी तेज बोला, चार पांच छल दरबार के गुंडों को स्पेशली सिप्रो दरबार में आके मेरे को निकालने आना पड़ा। ठीक है, गलत तो नहीं कह रहा? ठीक ठीक है। राजू प्रसाद आया था, अनु आई थी, प्रकाश पंत आया था, लक्ष्मी आया था, और एक और कोई आया था गुंडा, मेरे को याद नहीं आ रहा। क्यों? वो भी हो सकते क्योंकि हैं वो नहीं हो करके। हाँ हो सकता है हो नहीं, हो नहीं हो तो नहीं था, मेरे को इतना तो याद है। क्यों? क्योंकि मैंने बोल दिया था भैया मार्केट अच्छा, बजट अच्छा नहीं था, मार्केट नीचे जाएगी। वही हुआ, मार्केट नीचे गई, लगातार 2 दिन गई। इनके 3200 भी बह गए हवा में, और इनका 2800 भी बागमती में बह गया। लेकिन बंटू एक कितना कितना नीचे जाएगा? बजट तो अच्छा नहीं आया, कितने नीचे जाएगा वो बताओ। देखिए, अगर आप पहली बार मेरे मुझे सुन रहे हैं या बहुत बार पहले सुन चुके हैं मुझे नहीं मालूम, नहीं, लेकिन बहुत बार सुन रहा हूँ। लेकिन लक्ष्मण जी, अगर आपने बहुत बार सुना है मुझे, तो आपको अच्छे से पता हो जाना चाहिए कि मैं कभी भी यहाँ जाएगा वहां जाएगा ये वो कुछ नहीं करता ना, मेरे को ये काम करने हैं। मैं फंडामेंटल की बात करता हूँ। फंडामेंटली बजट वॉज नॉट गुड, तो मैंने बोल दिया था इन सब गुंडों को कि मार्केट अच्छा रिएक्ट नहीं करेगा, और वो ही हुआ। सब बूम बूम कर रहे थे, उल्टे सीधे ड्राइंग बनाकर आ गए वो पागल पाटन हॉस्पिटल में, वो जो बच्चे होते हैं ना, वो जो ड्राइंग बनाते हैं वैसे लाइनें खींच कर आ गए, देखो देखो हमने कितने अच्छा लाइन खींचा, 2800 तक लाइन में बना दिया, 3200 तक लाइन बना दिया। एक वो विष्णु विशाल ने तो 6500 लाइन बना दिया था आज से 3 साल पहले। तो ये हाँ लाइनें लाइनें खींचने वालों को, इनको आप इनको बोलो ऑल इज वेल, सब ठीक हो जाएगा, ये बोलो इनको। इनको इनको हमारी मदद की जरूरत है, हमारे वो क्या कहते हैं डॉक्टर का आगे, वो जो सहानुभूति की जरूरत है। लेकिन इनके लाइनों के ऊपर आपने पैसा नहीं लगाना, पैसा लगाओगे तो जैसे ये लोग सड़क पे आ रखे हैं, आप भी सड़क पे आ रहोगे। ये चीज समझना बहुत जरूरी है। छल दरबार बंटू भैया, ने बंटू पिछले भैया, आपने जय को सर्वप्रथम 750 में खरीदना वो कहा था हाँ हो, कहा था कितने में सेल करना है वो बताया कि नहीं है? मेरे भाई, जब मैंने कहा था देखकर, मैंने फाइनेंशियल क्वार्टर 3 का रिजल्ट देख के कहा था। अब जब तक क्वार्टर 4 का रिजल्ट नहीं आएगा मैं नहीं बता सकता ना, पहले रिजल्ट तो आने दो क्वार्टर 4 का। ये जब देखो अभी क्वार्टर भाई, फोर का रिजल्ट, ये बीच में मैंने इंटरप्ट किया, ये एंजो एक भाई तो बात मैं का क्लियर कर देना चाहता हूँ। क्या था? हेलो हेलो। हाँ सर, हजुर म बोल रहा हूँ सर, भन्नु सर आराम से। आप बोले कि जय हो का बोला था कि 750 में खरीदो कह के, मेरा मेरे को जब भी बोला तब भी मैं उससे पहले, मैं 1 हफ्ता पहले कमेंटमेंट कर दिया था, जब वो 1083 में जाके 1082.70 रुपया में क्लोजिंग दिया तब भी मैं बोल दिया था साला हमको यकीन नहीं दिया, इसको हम 2-3 दिन तक लखेटते रहे लखेटने दे रहे, ये हमको पिटने नहीं दिया, रास्ता में भेटा नहीं, इसलिए मैं गुस्सा में आके मैं बोला तुम आओ, और हम देखा फन अथी टेक्निकल लगा के मैंने देखा उसको, उसको डाइवर्ट किया मैंने, पहले चार्ट को ले गया घंटा में ले जाके मैंने देखा इसको, मैंने बोला 7 से 29 में आएगा तभी मैं खरीदूंगा, नहीं तो तुमको मैं कसम खाता हूँ आज ही के दिन में मैं तुमको किनूंगा नहीं, ले मैं
बोल भी दिया, दूसरा उसी का सामने फिर ग्रुप चला तो मैं बोल दिया, ये तो गयो सर्वोत्तम तो गयो, ये 7 से 29 में आएगा, मेरा मन 19 बोल रहा है लेकिन 29 तक आएगा, 41 तक आया था लेकिन मैं एंट्री किया नहीं अभी तक, एक कितना भी नहीं किया, मेरे मन को भाया मैंने कुत्ता काट खाया, मैं तो बोला हूँ मैं इस फॉर्मूला पे चलने वाला आदमी हूँ। मलाई बन्टुले भनेर मैले सर्वोत्तम किने, तपाईले एक दिन भन्नुभएको छ त्यो मसँग रेकर्ड पनि छ, सर्वोत्तम बन्टुले भनेर किने भनेर रेकर्ड छ भने बोलाउनु त, प्ले गर्नु त अहिले तपाईँलाई 55,000 दिइन भने म क्लब हाउस रिमुभ गरिदिन्छु ल, बन्टुले भनेर मैले किने भनेर मलाई अहिले सुनाइदिनु भयो भने, मेरो आवाजमा सुनाइदिनु भयो भने म तपाईँलाई अहिले कहिले 55,000 रुपियाँ दिने भए, तपाईँले त्यो हजार तपाईँले मार्केट राखेपछि तपाईँ यसरी झुटो नबोल्नुहोस् न, भोलि पर्सि भोलि पर्सि तपाईँलाई मैले मिट भनेर बोलाउनु पर्छ यार, तपाईँले मलाई नि ऊ गर्नुहुन्छ झुटा साबित गर्नुहुन्छ, म झुटा साबित गर्दिनँ सर, हजुरले चाहिँ कुनै दिन जिएफएल ले कमाएन सर्वोत्तम ले कमाए, सर्वोत्तम इज बुम 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 भन्नुभएको छ, छ कि छैन, हो त्यो मैले भने होला ल, त्यो मैले भने, तर मैले चाहिँ 750 किने मलाई फलानुले भनेको थियो र मैले किने भनेर मैले कहिले भनेको छैन है, बन्टुले चाहिँ जय होले आएर मलाई सोध्यो, मैले किन्नु भनेर उसले बन्टुले भनेको छ, 7 दिन पछि हेर्नु पर्ने, त्यो पछि 9 दिन पछि मैले म र उहाँसँगको कुरा भयो, त्यो पछि मैले बोलिसकेको पछि मैले त त्यही दिन भनिदिएको, जुन दिन सबैले पेटभरि खाएको थिए, पेटभरि खाएको थिएँ त्यही दिन मैले भनेको, तपाईँहरूले खानुभयो ल, दाँतले चपाएर नराख्नु होला, बिस्तारै बिस्तारै फुकाउनु होला, त्यसमा रहिकन तपाईँहरू आफ्नो आफ्नो डब्लुएससिसी कम गर्दै जानु होला, होइन भने तपाईँहरू पछताउनुहुन्छ भनेर उही दिन भनिदिएको मैले, त्यसैको लागि अनि खरो खन्न ताले ज जसको होल्डिङ थियो, अब त्यसमा मेरै आफ्नै आफन्तैको 5,000 होल्डिङ थियो, अब के भन्ने 5,000 किता, अब ऊ त अब मलाई किनाकै हो कि, तपाईँ हाउ कुरा नगर्नुहोस् न हो, तपाईँ 729 आउँछ भने 740 मैले किन्न सुरु गरेँ भनेर भने होइन, त्यति बेला अहिले आएर राम सर म झुट बोल्दिन, तपाईँले त्यतिखेर किने जिओएफएलले डुबाए सर्वोत्तम बुम बुम भनेर हजुरले भन्नुभएको, मैले भने तर मैले बुम बुम भयो भन्दाखेरि अब यसले दिन्छ, तर मैले किने भनेर मैले भनिनँ, मैले त्यहाँनिर मैले किने मैले अहिले पनि भनिरहेको छु, मैले आफूसँग आइपिओ परेको 2 जनाको खातामा परेको, एउटा मेरो आफ्नैमा परेको थियो, 1 जना सरकोमा परेको थियो, उसलाई पनि मैले ठाउँमै नै दिएको, उसलाई मैले 2013 मैले बेचे, स्टप लस हानिसकेको कि गफ नहानुस्, तपाईँले स्टप लस हाने भनेर भन्नुहोस् न, हामी के भन्छौँ तपाईँको पैसा, ए बाबा मैले स्टप लस म त भनिरहेको छु, 2 ब्याङ्क अहिले छ, अहिले पनि मैले बोकेर राखिरहेको छु, म घाटामा छु 2 ब्याङ्क, मलाई थाहा छ त, म भन्ने कुरा त भनिरहेको छु त, अहिले पनि यत्रो घटेर पनि एभरेजिङ गरेर पनि म घाटैमै छु अहिले, तर म किन भन्नु सर्वोत्तममा मलाई घाटा भयो, म सर्वोत्तम एउटा पनि किनेकै छैन, तपाईँ स्टुडेन्ट खोज्दा मात्रै आउनुहुन्छ अरे ग्रुपमा, लसमा गएर त्यो लस रिकभर गरेर क्लास लगेर यसो 2-4 पैसा भए पनि प्लसमा आउँछु कि अलिअलि भए पनि उनाउन सक्छु कि भनेर तपाईँ ग्रुपमा स्टुडेन्ट खोज्न आउनुहुन्छ के हो तपाईँ त्यो कुरा, काजी हो काजी, तपाईँ पनि त्यही बन्टी बब्ली र त्यो रोहन र त्यो तिनीहरू नेपालीहरूको किताब काठमा नजानुहोस्, त्यही ड्याङको मुला नबन्नुहोस्, मलाई आजसम्म मैले गरेको काम र मैले दिएको मलाई मेरोमा प्रुफ मात्रै देखाइदिनुहोस् होइन, अनि मात्र म तपाईँको कुरा मान्छु, होइन भने त्यो यसरी तपाईँले यो बोलेर केही सिद्ध पार्नु सक्नुहुन्न, के हो भनेपछि फर्स्ट अफ अल त के हो भनेपछि तपाईँले 729 आउँछ भनेर भन्नुभएको छ, मैले माने सुनेकै कुरा हो, धेरैपल्ट सुनिसक्यो, त्यसपछि तपाईँले 740 चाहिँ उठाउनु पर्ने कि नउठाएको त 729 कुरेर हुन्छ, धेरै कि त उठाउँछ भने त 740 उठाउनु सुरु गर्नुपर्छ नि, मैले पनि उठाएँ नि भन्ने कुरा तपाईँले गर्नुभएको थियो नि त, मैले बोलेको मैले यो कुरा बोलेको है, यो कुरा अहिले जुन भन्नुभयो नि हो, यही भाषामा यही तरिकाले यही पारामा मैले बोलेको हो, तर के त्यहाँनिर किनेपछि तिनीहरूलाई फाइदा भएन, तपाईँ चाहिँ माइनसमा हुनुहुन्छ, तपाईँ चाहिँ स्टप लस हान्नु हो भन्ने कुरा चाहिँ एकदम व्यापक छ नि, त्यो कुरामा ए बाबा मैले के कसम खानु, मैले के कसम खानु र तपाईँहरू पत्याउनु, मैले एक किताब पनि किनिनँ के, मैले जिद्दा हानेको थिएँ नि त, म त्यही 29 मा आइज होइन भने म किन्दिनँ, कसम स्वरूप ल खानु ल बन्टु मरिजाओस् भन्नुहोस् त ल,
तपाईले यदि माइनस गर्नु भएको छ नि स्टक लस बन्टु हैन मै मरि जाऊ मैले आफ्नो खातामा एक किताब पनि किनेको छु भने मेरो घर परिवारकै खातामा र मैले चलाउने टीएमएस मा पनि कसैको खातामा मैले एक किताब पनि किनेको छु भने मै मरि जाऊ भएन तपाईले ग्रुपलाई किनाउनु भएर नि त कसैलाई किनेको छैन मैले किन्नुस् भनेर कसैलाई भने 5000 को त कि 5000 गीत त किनाए भन्नुहुन्छ हो मेरो आफन्तले किनेको थियो रे के 1905 मा किनेको थियो अब उले मलाई यानी र मलाई फेरि त्यो क्लब हाउसमै म र्याक्रक्टी पायो के हेरेर तपाई जस्तो फन्डामेन्टल के रे टेक्निकल हेर्ने मान्छे अरुहरुले 600 भन्दाखेरि मलाई दुःख थिएन होला तपाईले किन भन्नुभयो 905 मैले 905 901 देखि 905 मा चाहिँ मेरो डब्ल्यूसीसी छ त्यो साजी छ भन्ने नै ले किन मैले भन्दि पनि हाले उहाँले नि किन्नु भएको थियो हैन सरासर अनि अरुहरुले माधव सरलाई फसा जस्तो कुरा गर्नु भए चाहिँ यदि किनाउनै थियो भने त अलि तल आएपछि किनाए पनि हुन्थ्यो नि त सर मैले त्यहाँ त्यतिखेर किनाएकै होइन नि उसले आफै जान्ने भएर किने रहेछ अनि मैले त्यतिखेर किनिसकेपछि मैले भनिदिइहालेँ मलाई थाहा भएन फलानुसँग होल्डिङ छ भनेर मैले भनिदिइहालेँ यो त 729 आउँछ भनिदिएको नआए पनि 41-42-47 त आयो होइन अब त्यहाँबाट फेरि फर्कियो अनि राम सर बन्टुले भनेको कुरा चाहिँ झुट बोल्यो बन्टुले म के अरे यो मामलामा भाइरल भइसकेपछि उहाँसँग उहाँले पनि यो कुरा राख्नु भएको रहेछ अर्को ग्रुपमा र उहाँसँग कुरा गर्दाखेरि उहाँले पनि त्यही हेर्नु भएको रहेछ जुन मैले हेरेको थिएँ उहाँले पनि तर 5-10 अङ्क माथि हेर्नु भएको रहेछ तर उहाँको एक्युरेसी मिल्यो मेरो एक्युरेसी मिल्यो नि मैले भनेकै ठाउँमा त पुगेन नि तर उहाँले भनेको त 100% मिल्यो नि त अरूको त्यस्तै हो बन्टु भर्सेस जय जय मनिषा आज 1-on-1 डिबेट जाओस् न त के भन्नुहुन्छ होइन ए भाइ तपाईँहरू जस्तै मान्छे हो होइन त्यो कसको त्यो रोहन कि के अरे आशिषसँग मेरो जोड दिने घरि उसँग जोड दिने कि ल फलानुसँग डिबेट छ भनेर मैले डिबेट स्वीकारेकै छैन मलाई त्यो अब त्यो बोलिराखेर अब जे जग जित्न खोज्ने अब ऱ्याक्टी पार्ने मान्छेहरूसँग मलाई डिबेटै गर्नु छैन तपाईँहरू त्यही किताब काठमा हुनुहुन्छ भने मलाई चाहिँ अब म अहिले जुन लेखाएको छु डिस्क्रिप्सनमा त्यही तरिकाले म चुप्लाएर बस्छु तपाईँहरू हकानिनु म चुप्लाएर बस्छु बन्टु शान्त छ बोल्नुहोस् न ल डिबेट गर्नुहोस् 1-on-1 के छ अनि बन्टु भैया राम भैयाले चाहिँ नै के अरे सर्वोत्तम किनेको रहन्छ त अनि त्यसपछि मैले भनेर सर्वोत्तम किन्यो राम भैयाले भनेर भनेको हो कि होइन बन्टुले सर्वोत्तम 750 किनेर अहिले नाफामा छ जय भनेर भनेको हो कि होइन बन्टु यो बन्टु पनि गफाडी बन्टु तु किधर है तो सो गए क्या बन्टु जय ने च्यालेन्ज किया तुझे ए बन्टु तु क्या कर रहे हो तू हार गया क्या ये मुझे लग रहा है ये टॉयलेट में अरे ये ऊपर का चार्ट किसका है यार बहुत अच्छा है यार एक ऋषि तो बहुत चार्ट में बस उसको चार्ट लो और कुछ भी काम हम कुछ नहीं है अरे क्या हुआ यार सॉरी वो खाना डाल रहा था क्या हुआ बोलो बंटू तेरे को जय मनीषा ने चैलेंज किया अरे जय क्या हो गया तुम मेरे को चैलेंज क्यों कर रहे हो यार एक तो तुम मेरे से आके फंडामेंटल कराते हो फिर मेरे से माफी मांगी थी तुमने उस दिन हमसे 1000 में गलती हो गई थी भैया आपने 750 में सही फंडामेंटल किया हमको भी लग ही रहा था हमसे 1000 से गलती हो गई फिर मैंने तुमको माफ किया उस दिन आपको चैलेंज नहीं किया मैंने तो क्या बोला कि बंटू भैया जो बोले हैं बंटू भैया सही हुआ बंटू भैया बोला था 750 आएगा आया लेकिन मैं तो बोला था उससे 7 दिन पहले 729 आएगा तब मैं किनूंगा नहीं आया मैं नहीं किना मैं ये बोला हूँ मैं आपको चैलेंज नहीं किया लेकिन जब तुमने मेरे से 750 पे बढ़ाया फंडामेंटल मत करिए अच्छा तो ये झूठ बोल रहे हैं फिर ठीक है बंटू भैया तुम लोग यार जय और मेरी बीच में तुम मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर रहे हो लड़ाई करवा रहे हो जय वो झूठ बोल रहा है हमने 750 में खरीदो कहा था मगर जय ओले नहीं खरीदा ये हमारा ये जय हो ब्रदर हर बार क्यों सबसे झगड़ते हो यार क्या यार ये हैंजो ब्रो है ना आपसे मोड क्यों मांग रहा है मालूम है इनको मैंने ब्लॉक किया हुआ वो मैं जो मोड में रहूंगा ये आ नहीं पाएगा तभी नहीं आ पाया था इसका भड़ास निकालना चाहता है मुझसे हमको मालूम है ना ये सट्टे पट्टे उसी डैंग का मतलब मूली है
अरे किसको कह रहा है भाई जान, किसको कह रहा है उसी टाइम, किसको कह रहा है, मेरे बहुत सारे आर्मी इधर पर, जय भाई आपको अचार बना देगा सब लोग, आपका आपका आप भी क्यों, क्या कहूँ यार, तुमका 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 ये जो ये तुम कस्टमर खोजने के लिए, कस्टमर खोजने के लिए सब रूम पे जाकर, सब रूम पे जाकर टेलीग्राम लिंक पिन करते हो यार, तुम्हें कस्टमर चाहिए, हमारे नेपाल हमारे नेपाली भैया को भी तुमने क्या बोला, डैंग का मूला, तुम क्या हो, तुम काकड़ा हो, मेरे भैया सुनो, मेरे भैया सुनो, वो टेलीग्राम फ्री वाला है, वहाँ पे आप नेप से अपडेट पा सकते हो, फ्री वाला हो, फ्री वाला में सबको टोपी लगाने के लिए बनाया, फ्री वाला टोपी लगाओ लगाओ, फ्री में टोपी लगाओ और प्रीमियम पे बोला कर अच्छा सिग्नल देने के, झूठ झूठ बोलो यार, मारो इसको, ये बहुत बोलता है, बहुत तो कौन बोलता है इधर, सबको पता है, ये जय भाई भी सेकंड चुकू ले गया, मतलब बाई सिग्नल देते, अरे ये भैया सब रूम पे जाकर टेलीग्राम पिन किया, मैंने जाकर देखा तो ओ माय गॉड यार, ये क्या यार, ये क्या कर रहा है इधर यार, तो क्या है कि मेरा रिएक्शन तो क्या हुआ कि बोल भाई, बोल 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 बोल, तुम भी ये क्या है कि फ्री फ्री पे टेलीग्राम पे सबको लाकर टोपी मत लाना जी भैया, वैसे मत, मैंने बाई सेल नहीं दिया, तो टेलीग्राम में मैं वॉच लिस्ट में रखो बोला, मैं बाई सेल नहीं दिया कभी भी, वॉच लिस्ट में रखने के लिए बोलो और टोपी टोपी लगा दो भाई, तुम्हारे ऊपर डिपेंड भी करना चाहिए ना बाई सेल देने के लिए, ये जय हो जी, आपका टेलीग्राम फ्री है, आपका टेलीग्राम फ्री है कि पेड़ है, ये सब फ्री है, ओ हे भैया ये फ्री में टोपी लगाता है और सबको 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 10,000 10,000 में 10,000 पर मंथ मांगते हैं, संभाल के बोलो भाई, नहीं मैं मुख नहीं संभालूंगा भाई, नहीं संभालूंगा, क्या कर लोगे, क्या कर लोगे जय भाई, तुम्हारे क्या कर लोगे, अरे हमको भी नहीं पहचाना है तुमने, हमको भी नहीं पहचाना, हम भी बड़े आदमी है, देखो अरे यार, राम सर तपाईले सर्वोत्तम बुम बुम भन्दाखेरि तपाईसँग सर्वोत्तमको किता थिएन त कसरी बुम बुम भन्नु भयो, किन बुम बुम भन्नु भयो, अरे वो स्टॉपलेस मार के वो बड़बड़ाता रहता है, वो सपने पे उसके सपने पे आता है ना, वो सर्वोत्तम सर्वोत्तम इसलिए बड़बड़ा रहता रहता है, नहीं 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 इधर एक सवाल है, सब लोग लक्ष्मण जी रुक जाइए रुक जाइए, लक्ष्मण जी इधर सबका सवाल है, मैं भी सुन रहा हूँ जयवो जी, क्या ये बात सच है, आप मतलब टेक्निकल क्लासेस चला के लोगों को 10,000 रुपए पे करने के लिए बोलते हो महीने का, ये सच बात है, आप बोलिए, मतलब इसका आंसर दीजिए, इसके इसके लिए मैं इसके लिए इसके लिए मैं प्रूफ दे चुका हूं और ये सब प्रूफ नहीं दे पाया है, ये आप बंटू भैया से पूछ लीजिए, इस सबको जब मैं टाइम दिया था कि लो तुम सबको दिखाओ कह के, ये प्रमाण जुटाओ करके, अब ये फिर हम इसको कहा कितना क्यों हम मैं इसको वेरीफाई करे और कितना करे, ये आप मोडू आदमी मोड लेकर और इस बात पे फिर टॉपिक कर रहे हैं, फिर बहस कर रहे हैं, तो ये आप सबका चरित्र पे पड़ता है, इस टॉपिक पे बात हो और उस पे कार्रवाई न करे तो मैं यहाँ पे आके आप लोगों के साथ बस बहस करूँ, ऐसे बकचोदी करने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है, मैं पहले ही बोल चुका हूँ, आप चाहते नहीं आए तो नहीं आएगा, ठीक कहा जाए, नहीं नहीं एक सेकंड शांत, सब शांत सब शांत, कोई जरूरत नहीं, एक मिनट काजी काजी रुको काजी काजी भाई, अगर आप एक मिनट डॉक्टर काजी सब रुक जाओ, शांत सब शांत, देखो अब इल्जाम जयहो जी पे जो लगाया गया है, जयहो जी आपके पास पूरा मौका है, एक ही बारी में जो बोलना चाहते हैं पूरी सफाई रख दीजिए, सब सुन रहे हैं, आज दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, बोलिए जयहो जी आपके पास एक मौका है, अच्छे से इस्तेमाल कीजिएगा, धन्यवाद, अच्छे से इस्तेमाल उस दिन भी तो मैंने किया था, इस सब जो बोला कि 10,000 लेता है, कोई बोला 5,000 लेता है, कोई बोलता है 51,000 लेता है ना, तो मैंने बोला इस सबको कि तुम को लिए मैं 55 मिनट का टाइम देता हूँ, 1 घंटा का टाइम देता हूँ, कहीं से तुम स्क्रीनशॉट लाके दिखा दे हमको कि हमें ई सेवा से पेमेंट किया हूँ, अकाउंट में पेमेंट किया हूँ, किसी ठाव में मैं पेमेंट किया हूँ, लो तुमका मैं तुम अपना प्रोफाइल में लगा के दिखा दो कि मैं हाँ, तो हमको तुम गाली देना, हमको तुम ब्लैक लिस्ट में रखना, हमको तुम रैक रैक करना, मेरा नाम नंबर फन्ना चिन्ह सब मेरा मुहैया है,
ठाव पे तुम सर्च करोगे मेरा इसी नाम से सब कुछ आएगा, तो तुम हमको करना, ये सब कुछ नहीं देखा पाया। उस दिन भी सब नंगा हो गया, उसके बाद ये टॉपिक खत्म हो गया था, फिर आज फिर इसी टॉपिक पे क्यों बात चलाया और अभी भी तुमको टाइम देते हैं, जो भी ऐसा बोलता है कि हाँ ऐसा है वैसा है, तो तुम सब अगर ऐसा बात है तो तुम आओ ना, अपना इमेज लगाओ वहां पे, मैं टाइम देता हूँ। अच्छा, अब जयो जी ने बोला है कि अगर किसी से उन्होंने पैसा लिया है तो उसका स्क्रीनशॉट दिखाओ, उसका प्रूफ दिखाओ। क्या कोई यहाँ पर है जो जयो जी को दिए हुए पैसे दिखा सकता है कि हाँ इन्होंने 10,000 दिए? काजी बोलो, हंजो। अरे मुझे तो मेरा सैंडी भाई ने कह रहा था कि जयो भैया ने 10,000 ले लिया, लूट लिया। अरे भैया बाबू, ए जयो जी, वो निपोली जी लिख रहे हैं कि 10,000 लेते हो आप। रुको, मैं उधर बंटू जी मेरे पास है ना, थोड़ी देर हो गया, रुको। हमारा जय जी बोल रहे थे कि 10,000 5,000। नहीं भाई, तुम्हारी औकात से, तुम्हारी जो क्लास से, तो तुमको हमने तुमको देने के लिए 500 रुपए भी नहीं है भाई, उसी तरह की क्लास भी नहीं है तुम्हारी। काजी भाई वैसा मत बोलो, औकात में मत आओ, ठीक है, वैसा बात मत करो, गिरा के मत बोलो, अच्छे से बात करो। लेकिन आप अगर आपके पास स्क्रीनशॉट है तो दिखाओ। हम दिए क्यों? ये आगे तो बोलते रहते ग्रुप पे, हमने ऐसा किया वैसा किया, हमारे पास इतने स्टूडेंट है, इतने ऐसा है वैसा है, तो ये तो एडवर्टाइज करते रहते है, हम क्यों इनको बिलीव करें? ये खुद ही वो सर्वप्रथम पे लसा के बैठे है। ठीक है जयो जी, एक आप काम करें, आप जितने भी आपके स्टूडेंट है उनको बोलिए एक वीडियो टेस्टिमोनियल, मतलब वीडियो बना के बोले जयो सर ने हमें पढ़ाया और हमने पैसा कमाया। कितने स्टूडेंट क्लेम करे हैं जयो जी आपने? जयो जी कितने स्टूडेंट? क्या ये बात सच है जयो जी? उधर कमेंट में आया है टिकटॉक बैंड होने की वजह से आप क्लब हाउस में आए हो, ये लोग ये कह रहे हैं, आप इसका बंटू भैया, मैं तो बस इतना कह रहा हूँ कि क्योंकि एक बात कहूँगा बंटू भैया, मेरा एक भाई है सैंडी भाई, उसने कमेंट पे लिखा था कि जयो जी ने 10,000 लेके लूट लिया यार, बहुत रो रहा था यार, वही देख के मैंने कहा यार बंटू भैया। देखिए जयो जी ने बात सही रखी, अगर पैसे दिए होते तो कोई ना कोई ई सेवा का या कहीं ट्रांजैक्शन का रिपोर्ट होता, बैंक का रिपोर्ट होता कि जयो के अकाउंट में पैसा गया है। लेकिन उसी तरीके से जयो भी हवा में अगर बात करेंगे कि मेरे पास इतने स्टूडेंट हैं, 1,000 हैं, ये हैं वो हैं, तो इस पे हम जरूर एक चिंता है हमें कि शायद झूठ बोल के मार्केटिंग करी जा रही है, जिसके हम सख्त खिलाफ हैं जयो जी। तो आप कृपया करके अपने स्टूडेंट्स को लेकर आए जो आपके लिए ये कह सकते हैं यहाँ पर आके कि हाँ जी जयो ने हमें पढ़ाया और हमने पैसा कमाया। धन्यवाद बंटू भैया, आपने क्लब हाउस में आया के दिव्य ज्ञान दिया, वो दिव्य ज्ञान से कितने ने कमाए है वो बताओ। अभी तक जितने आए हैं सामने, टोटल आई थिंक 8 लोग हैं जो आए हैं सामने, उनमें से एक अमृत उल्लू का पट्टा है, एक क्या नाम है, मतलब ये सर्वोत्तम वाली बात तो सबको ही पता है, एक नबील थे, ओम जी ने करवाया था 440 पे, अब उन्होंने खरीदा नहीं खरीदा वो अलग बात है, लेकिन वो ऊपर गया था। एक जब मैंने बोला था कि HRL और उसका रिपोर्ट इस बार अच्छा आया है ऊपर जा सकते, वो ऊपर गया, तब ये बड़े खुश हुए थे। एक लड़की थी प्रमोद लामे छाने थे साथ में, और वो NRIC और HRL का हुआ था, तो 50-50 मैंने कहा था डालने के लिए, तो एक लड़की ने पैसा कमाया था, और ऐसे रहे हैं और 4-5 जिन्होंने मेरे से फंडामेंटल का, दिल्ली चौधरी ने मेरे से फंडामेंटल से पैसा कमाया, जब मैंने उनको बोला था कि HDL नीचे जाएगा आप इसको भेज दो, रिपोर्ट अच्छी नहीं है, 1600 में उन्होंने भेज दिया, वो बच गए और वो 1300 पे आ गया।
तो ऐसे बहुत बहुत जगहों पर लोगों ने पैसा कमाया है मेरे फंडामेंटल से, जिन्होंने मुझे आके बताया भी है और मैंने उनके नाम भी ले लिए हैं। बाकी अगर आपको और कोई मिलता है तो पूछ लीजिएगा। बाकी वो चलो 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 तो बंटू भाई आज के दिन में ये बता दो, तुम अभी तक जो भी हुआ वो मेरे ख्याल से सच भी हुआ होगा, वो अच्छी बात है। नहीं नहीं ख्याल से नहीं हुआ है, एक मिनट 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 काजी काजी काजी, कोई बात नहीं 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 सुनिए सुनिए मैं नहीं काजी जी आपको मेरे को बोलने देना पड़ता है। आपने बोला, आपने ख्याल में बोला है, ख्याल तो है, मैं बात नहीं करता, मैं तो हकीकत पे बात करता हूँ। 1.5 साल पहले मैं आया था, सबसे पहले मैं जब छल दरबार में आया था मार्केट, सुनिए मेरी बात, रुको तो जरा। आज भी, आज तक तुमने जो भी किया है वो अच्छा किया है, तुम जो बोलते रहे हो तुम्हारी ख्याल से तो वो अच्छा ही हुआ होगा, हमने अभी तक सुना है। लेकिन आज के दिन ये बता दो, सिर्फ ज्यादा नहीं, वन स्टॉक बता दो, एक स्टॉक ऐसा बता दो जो ज्यादा नहीं, शॉर्ट टर्म में नहीं, 3 महीने में, 3 महीने मैं तुमको वो 1 वीक 2 वीक नहीं दे रहा हूँ, 3 महीने में कुछ 20-25% रिटर्न देने वाला सिर्फ एक स्टॉक बता दो, तब मैं आपको मानूंगा, बस बोलूंगा। अब काजी जी यहीं पर आप फंस गए, क्योंकि जिसने मेरे को सुना, फंस गए ना डॉक्टर का, गए फंस गए कि नहीं फंस गई है ये जो उन्होंने बोला है बात। अगर जमीन बेच के इधर लाके डाल देते अगर उनको पता होता। हाँ लेकिन इनको पता नहीं था। अब देखो काजी जी, जो मेरे को सुनते हैं ना, जिनको पता है उनको अच्छे से पता है मैं फंडामेंटल पे नहीं, मेरी बात सुनिए 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 काजी जी, काजी जी जो आप बाद में जाके, काजी जी काजी जी बोलते हो कि मैं काजी जी बोला था वो बात नहीं होता है काजी जी, काजी जी बोलने दीजिए ना काजी जी, काजी जी अगर 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 मुझे पता होता ना कि 25% कौन सा ऊपर जाएगा तो मैं यहाँ नहीं बैठा होता, मैं किसी क्रूज शिप पे बैठा होता अभी, ठीक है। अगर आपको इतना ही शौक है ना 3 महीने में 25% कौन सा जाएगा, तो किसी जोशी को जाके अपनी पत्री दिखा दो, हो सकता है वहां पर कोई तोता बैठा हुआ आपकी पत्री निकाल के बोलते ये स्टॉक खरीद लो। ये फंडामेंटल वालों का काम नहीं होता। मैं क्यों हर बार जीतता हूं काजी जी, क्योंकि मैं डेटा देखता हूं। 1.5 साल पहले सारे छल दरबार के गुंडे, सारे नेपाली परिवार के वो रात को ना सोने वाले पिशाच, जो आपको पता ही है कौन है, वो सब बुम 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 3200 आयो, 6000 आयो, ये आयो, वो आयो। सबसे पहला इंटरव्यू मैंने केशव श्रेष्ठा का लिया था, मैंने उनको परखा कि इनको कितनी नॉलेज है, जीरो नॉलेज थी। एक एक करते करते मैंने सारे एक्सपर्ट्स को क्वेश्चंस पूछ के डिसाइड कर लिया, समझ में आ गया था कि इनको कुछ नहीं आता, हवा में बातें करते हैं, प्रकाश पंत हो कोई भी हो, सारे छल दरबार के हो या जितने भी वो रात को ना सोने वाले पिशाच हो जो नॉन लाइफ करते हैं, सब ने बोला बूम बूम, अकेला एक मैं था जिसने कहा था नहीं होगा बूम बूम, मार्केट में बूम बूम नहीं आएगा, मार्केट 2400 पे थी 1800 तक चली गई। उस वक्त से लेकर अभी तक सर्वोत्तम में जब इन्होंने बोला था 1000 से 1500 जाएगा, किसने आके बचाया, मैंने। 2 दिन पहले भी जब दीपेंद्र अग्रवाल ने बोला PFL बूम बूम, मैंने बोला था 72 घंटे बाद देखना लोअर सर्किट लगेगा, लग गया लोअर सर्किट, किसने बचाया, मैंने। क्यों? फंडामेंटल क्लियर है, मार्केट कैसे चलती है हर जगह सेम चलती है। सबसे बड़ा झूठ जो छल दरबार के गुंडों ने, सर स्पेशली प्रकाश पंत जैसे पियक्कड़ एक्सपर्ट्स ने जो रिटेलर को बेचा है, वो ये है कि दुनिया की मार्केट से नेप्से को फर्क नहीं पड़ता। इससे बड़ा झूठ कोई नहीं है। अगर आप लोगों को ये लगता है ना कि दुनिया में आप मोमो फेंकोगे तो वो नीचे जाएगा, लेकिन नेपाल में फेंकोगे तो वो सागरमाथा की चोटी पे पहुंच जाएगा, ऐसा नहीं होता। नेपाल में भी वो ही प्रिंसिपल चलते हैं जो दुनिया में चलते हैं काजी जी, यही रीजन है कि बंटू आज तक गलत साबित नहीं हुआ। जब मैंने बोला था मार्केट नीचे जाएगी, गई। लक्ष्मी प्रसाद ने 1.5 महीने पहले एक चार्ट लगाया था जब मार्केट 2040 पे थी। अच्छा, उससे पहले 2 महीने पहले दीपेंद्र अग्रवाल ने 2200 पे बोला था मार्केट में बूम बूम आएगा, 2500 जा सकता है अगले 2 महीने में। मैंने कहा दीपेंद्र अग्रवाल तू भी यही है, मैं भी यही हूं, अगर मार्केट 1 पॉइंट भी कल ऊपर चले गई ना तो मैं निपसे छोड़ दूंगा। मार्केट गिर के 1900 पे आ गई, 1950 पे, 2 महीने के अंदर अंदर। ये ताकत है
फंडामेंटल की जो गुंडे नहीं समझ सकते। सिर्फ एक बात बोली थी मैंने, मेरे को कभी भी ये मत बोलना यहां जाएगा कि वहां जाएगा कि ये वो, क्योंकि ये काम मेरा नहीं है, ये काम कोई नहीं कर सकता, ये ज्योतिषी भी नहीं कर सकते जो भगवान का नाम लेकर लोगों को टोपी लगाते ना कि मेरे को तो ये विद्या है वो विद्या है, ये उल्टे सीधे काम करवाने ना छलदार बार में चले जाओ, वहां पर बहुत बैठे टोपी लगाने वाले। बंटू भाई मेरा, अच्छा अच्छा रुको 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 रुको, हाँ बंटू भाई अभी तक मैंने सुना, बहुत ध्यान दे के सुना, अब ये बताओ तुम बता नहीं सकते तो कौन स्टॉक कुछ ज्यादा अच्छे परफॉर्म करोगे, 25% 30% वाला कुछ नहीं, वो दे नहीं सकते हो तो कुछ नहीं, तुम फंडामेंटल कुछ बढ़िया तरीके से अभी तक स्टडी कर रहे हो, मेरे को भी वही लगता है तुम हमेशा फंडामेंटल करते रहते हो। अब ये बताओ आने वाली जो बुल मार्केट होगा, बुल रन होगा, उसमें तुमको कौन सी सेक्टर और कौन सी फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी लीड करेंगी आने वाली देर में बुल रन में, कौन सी सेक्टर बुल रन में लीड करेंगी वो बताओ। देखो काजी 6 महीने पहले भी बोला था, 3 महीने पहले भी बोला था, 1 महीना पहले भी बोला था, नेपाल की अर्थव्यवस्था जो है, नेपाल की जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जिसको कहते हैं, और जीवीए ग्रॉस वैल्यू एडिशन, वो मेरे को पता है क्योंकि मैं पढ़ा लिखा आदमी हूँ, ये तो चोटी बांधने वाले टिकटॉक बनाने वाले वो ठगर वालों को नहीं पता ये बातें, ठीक है, क्योंकि उन्होंने पढ़ाई लिखाई नहीं करी, उन्होंने सिर्फ टोपी बनाने का जिंदगी भर काम किया है। जब आप इन मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स पे फोकस करके डेटा को समझते हो तो नेपाल में 3 सेक्टर ही निकल कर आते हैं, है ना। पहला सेक्टर कौन सा निकल के आता है और हमेशा निकल के आएगा, वह बैंकिंग। क्यों? क्योंकि नेपाल के पास सबसे बड़ा जो एक्सपोर्ट है वो किस चीज का है? क्या वो मोमो का है? नहीं। क्या वो सीमेंट का है? नहीं। फिर किस चीज का है? वो है लोगों का। आज की डेट में नेपाली लोग दुनिया भर में कुछ भी उल्टा सीधा ऊपर नीचे काम कर रहे हो कर रहे हैं, और घर पैसा भेजते हैं। पैसा क्यों, क्या कहते हैं? रेमिटेंस। रेमिटेंस मेक्स अप टू मोर देन 30% ऑफ नेपाल्स जीडीपी। अब रेमिटेंस हवा से तो आएगी नहीं, जमीन से नहीं निकलेगी, कैसे आएगी? बैंकिंग के थ्रू आएगी। तो बैंक के पास हमेशा नेपाल का 30% जीडीपी का रहेगा ही रहेगा, समझो काजी। जब छल दरबार के काजी सुनो मेरी बात, मेरे को पूरी बात करने दो। रुको जरा, कुछ इससे आगे बुल रन में भी जो कोरोना बुल था ना, उसमें क्यों लीड नहीं किया? तो उस वक्त क्यों लीड नहीं किया बैंकिंग सेक्टर ने? बैंकिंग सेक्टर तो कुछ ज्यादा परफॉर्म नहीं कर पाई, क्योंकि उसका रीजन सिंपल है मेरे भाई। बैंकिंग का मार्केट कैप इतना हाई है कि रिटेलर की बस की नहीं है उतना उसको और बढ़ाने की। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने छोटे मोटे स्मॉल कैप वाले कंपनियों के शेयर उठाए जिनका लिक्विडिटी था, जिनका प्रोमोटर शेयर होल्डिंग भी मान जाता। तुम किसी बैंक के प्रोमोटर ग्रुप को जाके फोन करके ये नहीं बोल सकते कि अरे तुम सरकारी बैंक हो या ये बैंक हो या वो बैंक हो, शेयर बेचो। एनआरबी ने ऊपर से ही ऐसा हथौड़ा मारना था ना, सारा इनका मोमो का अचार निकल जाता। इट इज नॉट पॉसिबल बैंकिंग में काम कर पाना, इसलिए नहीं हुआ, समझे। तो अब जाके क्यों होगा, अब जाके फिर अरे क्योंकि मॉनेटरी पॉलिसी में रिफॉर्म हुआ ना। एक बात, 3 हफ्ते पहले मैं अकेला छल दरबार में गया, छल दरबार में 304 लोग बैठे थे। बोलने दो, तुम बोल रहे हो, चलो ठीक, तुम भी बोलो मैं भी बोलूं, इंटरेक्शन होगा तब तो ना अच्छी होगा। आपने कहा उस वक्त एनआरबी के रूल से कुछ बाउंड्री हो गया था, इसलिए वो कर नहीं पाएगा, अच्छी परफॉर्म नहीं हुआ, ये आपने कहा, वो भी सही है। अब जाके फिर जो अब नेक्स्ट बुल आएगा उसमें भी तो एनआरबी के सर्कमस्टांस तो रहेंगे, तब जाके कैसे अच्छी परफॉर्म करेगा बैंक, काजी बता दो मेरे को। काजी मेरी बात सुनो ध्यान से, ठीक है। एक होता है इंसान जो जिंदगी भर दारू नहीं पीता, सिगरेट नहीं पीता, वो ये सोचता है ये चीजें अच्छी नहीं है, ये पदार्थ अच्छे नहीं है मेरी सेहत के लिए। लेकिन एक और इंसान होता है जो जिंदगी भर दारू पीता है, सिगरेट पीता है, लड़कियां छेड़ता है,
जुआ खेलते हैं। अब करते कराते किसी तरह दोनों की जिंदगी 70-80 साल तक चले जाती है, दोनों सेम टाइम पे मर जाते हैं। अब तुम क्या बोलोगे जाके लोगों को, अरे उसने भी सिगरेट पी, उसने भी शराब पी, उसने तो लड़की छेड़ी, ये शरीफ आदमी, सेम टाइम पे वो मर गया, उसको भी हेल्थ का ये नहीं हो, वो क्यों है? अब तुम क्या लोगों को जाके ये बोलोगे जाओ सिगरेट पियो, शराब पियो, लड़कियां छेड़ो? नहीं ना, क्योंकि तुमको मालूम है कि हो सकता है उस एक आदमी की किस्मत अच्छी थी कि उसका इम्यून सिस्टम लड़ गया, वो बीमार नहीं पड़ा। लेकिन इसका जरूरी मतलब ये नहीं है कि अगर 10 लोग करेंगे तो 10